बताओ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी रीढ़ पूरे वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर तो आप देख रहे दैनिक रुड़की में हूँ दीपक और अरोड़ा। आपको हम बता दें कि अभी हम जो खड़े हैं झबेड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सलेमपुर में खड़े हैं भूमिया खेड़ा पर, जो कि रुड़की नगर निगम के अंतर्गत भी आती है। यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है झबेड़ा विधानसभा से राजपाल सिंह, उनके पक्ष में एक सभा का आयोजन किया गया नुक्कड़ सभा का, जिसमें जगह जगह जा रहे हैं भाई, लोगों से वोट मांग रहे हैं। क्या अपील कर रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे, किससे आगे अपील कर रहे हैं? देखिए जहाँ तक मुद्दों की बात है, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। जहाँ तक मुद्दों की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया है पूरे क्षेत्र में, नहीं पूरे उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतना विकास करने का काम किया, रोजगार देने का काम किया, युवाओं को किसान को सम्मान निधि देने का काम किया। मैं समझता हूँ कोई ऐसा मुद्दा क्षेत्र की जनता से हमारी चुनाव से पहले बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्र में कोई काम नहीं करा, कई तालाब की खुदाई हुई तो कई तालाब में पानी भर चुका है, तो कई लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, धन्यवाद देना चाहता है। और अगर जो अधूरे काम है इस क्षेत्र के अंदर झबेड़ा विधानसभा के अंदर, निश्चित रूप से आने वाली जो 2014 तारीख में इस पर तय हो जाएगा कि दोबारा सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। चलिए भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनने जा रही है, ऐसा कहना है राजपाल सिंह का। झबेड़ा नगर पंचायत के अध्यक्ष वो यहाँ पहुंचे हैं, उनसे भी जानकारी ले जाते हैं कि भाई किस तरह की यहाँ पर लोगों को जानकारी दी गई, भारतीय जनता पार्टी क्या नीतियों के बारे में बताया गया, जानते हैं। सर आपका धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। किस बारे में क्या अपील की गई? दीपक जी देखिए चुनावी समर है, हम लोग सब अपनी अपनी पार्टी के लिए अपील कर रहे हैं, अपनी पार्टी के करे हुए कामों को लेकर के हम जनता के बीच में हैं और हम लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि जो कार्य श्री नरेंद्र मोदी जी ने करे हैं उनका हाथ और ज़्यादा हम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें ताकि ये कार्यों के सिलसिले इसी तरह देश प्रगति की ओर चलता रहे। जब हम चुनाव से पहले जब यहाँ टिकट का बंटवारा नहीं करा था, भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दिया था, तो काफी रोष था इस क्षेत्र की जनता में भारतीय जनता पार्टी को लेकर। जब कैंडिडेट चेंज हुआ तो अब जनता फिर से भाजपा की तरफ आ गया, उस चीज को लेकर क्या कहेंगे? देखिए इनकम्पेटेंसी फैक्टर आते हैं, इनकम्पेटेंसी फैक्टर हमेशा रहेगा, हमेशा ऐसा होता है कि जहाँ पे एक सिटिंग विधायक रह लेता है कई बार लोगों को उनकी कार्यशैली नहीं समझ आती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का भावनाओं को समझती है, जब उन्होंने कार्यकर्ताओं की भावना देखी तो टिकट चेंज किया और आज फिर कार्यकर्ता एकजुट होकर के चुनाव में है। क्षेत्र के लोग हैं जो यहाँ के पदाधिकारी है, कलियर विधानसभा झबेड़ा विधानसभा के मंडल अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी से मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं यहाँ पहले, और घनश्याम सैनी से जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। जिस तरह से यहाँ पर आज राजपाल सिंह जी के ऑफिस का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ है, तो कैसे रहेंगे सर ये? राजपाल जी का समर्थन प्रत्येक दिन बढ़ता जा रहा है और आपने देखा भी होगा अभी पूरा जोश है जनता के अंदर, कितना जोश है मतदाताओं के अंदर, लगभग काफी मतों से जीत की ओर जा रही है भारतीय जनता पार्टी। सर हम देख पा रहे हैं कि जब हमने कल सर्वे करा तो कृष्णनगर में और अन्य गांवों में हम गए तो लोगों ने बोला कि भाई भारतीय जनता पार्टी को हम पहले से वोट देते आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अगर कई लोगों को पता भाई कैंडिडेट चेंज हो गया, कई लोगों को नहीं चल रहा है पता, तो उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि कई लोग जो है ना पहले वाले प्रत्याशी से काफ़ी कफा नजर आ रहे थे, अब जिस तरह से भाजपा ने टिकट काट दिया और दूसरों को टिकट दे दिया, उस चीज़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। यहाँ पर इस क्षेत्र के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, कमल के निशान पर ही उनका प्रत्याशी होता है, जो अभी प्रत्याशी होगा वो कमल के निशान इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ही कमल का निशान है और वही प्रत्याशी है। मैडम भी है हमारे साथ जी, रुड़की विधानसभा छोड़ दिया क्या? नहीं भैया, दोनों विधानसभा में मुझे जिम्मेदारी मिली हुई है, मैं वहाँ की प्रभारी हूँ और यहाँ पर भी आपको पता है हमारी विधानसभा झबरेड़ा है, तो जहाँ भी रहेंगे कमल खिलाएंगे, चाहे वो हो या ये हो, उत्तराखंड तो पूरा अपना ही है। समर्थन मिल रहा है महिलाओं से? महिलाओं से तो भाई साहब आपको तो पता ही, मातृ शक्ति दुर्गा काली सरस्वती लक्ष्मी सबका रूप रखे हुए हैं, तो आपको जाहिर सी बात है तो ये रूप नजर आएगा और आप नजर आ ही रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को हमें चाहिए। और आपको पता होगा कि चार दिन से बारिश हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि भगवान भी चाह रहा है कि इतना कीचड़ कर दे कि हर जगह कमल ही कमल खिले। मतलब बुरी वाली और अच्छी वाली, मतलब बुरे हैं क्या वो? कौन बुरे हैं? पता ये नहीं कहा कि वो बुरे हैं,
मैंने तो ये शब्द यूज ही नहीं किया। जो चीज़ पूर्व हो जाती है वो पूर्वी हो जाती है, जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है। तो अभी वो भी भाई साहब हमारे, उन्होंने बहुत भी विकास किया है, निवर्तमान लिखने पे भड़क गया, आपने तो पूर्वी कह दिया। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि वर्तमान में जो भड़के हैं ये क्या है, वो तो उनका स्वभाव कैसा है कैसा नहीं ये मैं नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी जो प्रेजेंट में हमारे पास अभी 6-7 दिन है, उस 6-7 दिन में हमें तन मन धन से सेवा करनी है भारतीय जनता पार्टी की। और मैं एक कार्यकर्ता हूँ तो मेरा फर्ज बनता है, मेरे ब्लड में शामिल है भारतीय जनता पार्टी, तो मुझे बुराइयों को हमेशा पीछे छोड़ देना चाहिए। अगर सोच की बात कर रही हूँ, व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ सोच की। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल सही है, उसे कोई नहीं वोट दे रहा था। क्या नाम है आपका? खुर्शीद है मेरा नाम। दे रहे वोट? हम तो राज्यपाल को दे रहे हैं। राज्यपाल को 45,000 वोट मिल रही है यहाँ, कम से कम 45,000 मेरा वो देख लियो रजिस्टर। हर गांव गांव फिर रहा मैं, हर गांव गांव फिर रहा मैं। कुछ पार्टी कह रही है मिल रही है? अजी नहीं, मैं उसी का गांव मोताबा सुन लो, वो तो टाइम बताओगा सारा। 45,000 वोट मिलेंगे। तो चलिए, थी जनता जो उन्होंने बताया कि भाई यहां से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राजपाल सिंह, उन्हें अच्छी खासी यहाँ से वोट प्राप्त होगी। भाई साहब खड़े